काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यही बात कह रही थी शारजा देवी अहिल्या को, मगर देवी अहिल्या ने बात नहीं मानी उनकी। तब नमस्कार, पुण्यश्लोक लगे शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या की बात सबके सामने आ गई है कि वो गर्भवती हैं, मगर ये बात भी सामने आ गई है कि देवी अहिल्या महिदपुर में थी तब उनको पता चल गया था कि वो गर्भवती हैं, मगर इतने दिनों तक उन्होंने बात छिपा करके क्यों रखी सबसे। अब सब लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ हैं देवी अहिल्या से। गौतम भाई साहिब ने तो इल्जामों की झड़ी लगा दी है देवी अहिल्या पर। युवराज भी नाराज हैं और बहुत कुछ कह देते हैं देवी अहिल्या से, मगर अब वही होता है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देवी अहिल्या जाती है युवराज खंडेराव के कक्ष में, उन्हें बताती है कि महितपुर में क्या हुआ था। वो बताती है कि वो पहले ही बताना चाहती थी, मगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नहीं बता पाई, और फिर बता रही हैं कि महितपुर में क्या क्या हुआ। पूरी बात जब सुन लेंगे युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के मुख से तो क्या होगा? क्या देवी अहिल्या को माफ़ कर देंगे युवराज खंडेराव, और बल्कि खुद अपने किए पर माफ़ी मांगेंगे, पछताएंगे देवी अहिल्या के सामने कि मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत गलत हूँ। रोएंगे भी, पछताप भी होगा युवराज खंडेराव को जब सारी बातें वो सुन लेंगे देवी अहिल्या से, जान लेंगे कि आखिर महितपुर में क्या हुआ था। और वहाँ पर देवी अहिल्या जब आई महल में तो बताना चाहती थी, तो क्यों ये बात नहीं बता पाई युवराज खंडेराव को? तब वो जान पाएंगे कि देवी अहिल्या वाकई में त्याग की देवी है, त्याग की मूर्त है। और गौतम भाई साहिब का क्या हाल होगा जब वो जान लेगी ये बात कि देवी अहिल्या तो आई थी बताने के लिए, खुशखबरी सबको बताने के लिए कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, मगर तुम ही तो अपने युवराज को बांध रही थी पार्वती के साथ में, तो भला देवी अहिल्या ने तो तुम्हारी लाज रखी है, तुम्हारे युवराज के लिए जो तुम अच्छा सोचती हो वही बात तो तुम्हारी रखी है। तब गौतम भाई साहिब क्या बर्ताव करेगी देवी अहिल्या के साथ में? क्या वो भी रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, माफ़ी मांगेंगी मल्हार राव सुबेदार जी से भी और देवी अहिल्या से भी, और युवराज के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया है उसके लिए भी? या फिर भी वो कह देंगी कि अहिल्या तुम्हारी ही गलती है, क्या हुआ जो मेरे युवराज को बांध रही थी पार्वती के साथ में, नया रिश्ता इसका जोड़ रही थी, तुम तो आकर के जो तुम्हारी खुशखबरी तुम्हारी झोली में आई है वो बता सकती थी, साझा कर सकती थी, हो सकता है मैं इसकी शादी भी ना करवाती, तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, तुमने इतनी देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता अहिल्या, सब तुम्हारी गलती है, माफ़ भी कर देगी और इल्ज़ाम फिर भी देवी अहिल्या के सर रह जाएगा। क्या करेंगी गौतम भाई साहिब और क्या करेंगे युवराज खंडेराव?